हेलो डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग दिस वीडियो इज फॉर क्लास एलेवेंथ सब्जेक्ट ईवीएस ओके सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था आप लोगों को कि सम इम्पोर्टेंस ऑफ एनवामेंट कि इन्वामेंट के क्या इम्पोर्टेंस हैं वो समझाया था आप लोगों को जिसमें आप लोगों को अलग अलग ख़ास कर स्फेयर के बारे में भी बता दिया था आप लोगों को और इन इन्वायरमेंट कितना रेगुलेट करता है टेम्परेचर को टेंपरेचर को कितना नॉर्मल रखता है इन्वामेंट किस लिए हमें ख़ास है ये इन्वामेंट और इस इन्वायर्मेंट के अंदर ऐसा क्या कंपोनेंट्स है जिन कंपोनेंट की वजह से हम ख़ास कर लिविंग बींग को ख़ास कर लिविंग बीइंग को यहाँ पे सर्वाइव करने का मौका मिलता है सो so, इन्वायरमेंट में बहुत सारे कंपोनेंट्स लाइक हाइड्रोस्फीयर, लिथोसफियर बायोस्फीयर जो हमने पढ़ के आए थे जिस इन्वायरमेंट में हमारे था उन सारे कंपोनेंट की वजह से इन्वामेंट में उन सारे कंपोनेंट की वजह से सारे लिविंग बिंग यहाँ पे सरवाइव कर पाता है ख़ुद को सो so, हमारा वो प्रीवियस वीडियो में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वामेंट समझाया था उससे पहले आप लोगों को इन्वामेंट समझाया है और इन्वामेंट के टाइप समझाया है कंपोनेंट आप लोगों को हमने बता दिया आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक है यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है और लिखा भी है यहाँ पर आप लोगों को कि इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वामेंट यहाँ पे देखें आप लोग इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वामेंट सो क्या चीज़ है क्या इम्पोर्टेंस है इन्वामेंटल साइंस के इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वामेंटल साइंस इन्वामेंटल साइंस ये जो इन्वामेंटल साइंस जो हम पढ़ रहा है बच्चों uh, इसकी क्या विशेषता है क्या इम्पोर्टेंस है वो चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है सबसे पहले तो ताकि हमें ये पता चल जाता है कि इस सब्जेक्ट के बारे में कि हम पढ़ क्या रहा है सो इन्वामेंटल साइंस जो है एक ऐसा इफ़ेक्टिव प्रोसेस है एक ऐसा इफ़ेक्टिव सब्जेक्ट है जो हमें इसी इन्वामेंट के बारे में जहाँ पे हम रहते हैं उसके इन्वामेंट के बारे में जानने का मौका मिलता है इस इन्वामेंटल साइंस के थ्रू ठीक है यानी यही इन्वामेंटल्स हमारे अंदर अवेयरनेस जगाते हैं इस इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो आप लोगों को इन्वामेंटल साइंस को निचले क्लामेंट्री एजुकेशन से ही यानी निचले क्लास से ही एलिमेंट्री एजुकेशन से ही सेटअप कर दिया गया है और आप लोगों को खासकर कर का जो पोर्शन है क्लास टेंथ में उसमें भी आप लोगों का इन्वामेंट का बहुत ज़्यादा पोर्शन दिया होता है और ख़ास आप लोगों को इन्वामेंट के बारे में जानने के लिए एक अलग सा आ, बुक्स दिया गया था आप लोगों को जोग्रफ़ी के अंदर हो या उसमें आप लोगों को डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी एक इन्वायरमेंट का सेक्शन आता है आप लोगों को और दूसरा आप लोगों को जब यू में जाओगे आप लोग ग्रेजुएशन करोगे तो उस वक्त भी आप लोगों को इन्वामेंट एक साल पढ़ना हर किसी के लिए कंपलसरी रख दिया गया है चाहे वो आर्ट्स uh, के स्ट्रीम के हो चाहे वो मेडिकल के स्ट्रीम के हो चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हो आप लोगों को इन्वामेंट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आजकल तो बच्चों से ही यही दिया जाता है इन्वामेंट के नॉलेज क्योंकि इन्वामेंट में बहुत सारे चेंजिंग प्रोसेस हो रहा है आजकल जो हमने अलग अलग पोल्यूशन के तौर पर पढ़ते हैं आज बहुत सारे ऐसे चेंजिंग प्रोसेस जो हमारे ख़ास खराइल इफेक्टिव हो रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ इफ़ेक्ट्स पड़ रहा है सो so, इन्वायरमेंट को जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इस इसवामेंट से क्या सीख पाते हो और इस इन्वायरमेंट को हम कैसे बचा पाते हो वो सारे अवेयरनेस हमारे अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो so, डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पे इन्वामेंटल साइंस को कि इन्वामेंटल साइंस एक इफेक्टिव प्रोसेस है जो डेवलप करता है लोगों के अंदर अवेयरनेस जैसे कि हम क्लासरूम में अगर आप लोग होते तो आप लोग क्लासरूम में टीचर्स आप लोगों को सिखाते हैं और टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में डिस्कशंस होते हैं कि इन्वामेंट को लेकर सर इस इन्वायरमेंट में फॉर एग्ज़ाम्पल कंपोनेंट हाइड्रोसफेयर लिथोसफियर बायोसिफियर हो तो ये क्यों है सर और ये क्या काम करता है इसकी आ, होने का जो ख़ास कर मेन मकसद क्या है जिसकी वजह से हम ज़िंदा रह सकते हैं सो so, टीचर आप लोगों के हेल्प करता है और उन सारे खासकर क्रिटिकल थिंकिंग के जो आप लोगों के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उन सारों को सॉल्व करने की कोशिश करता है ठीक है सो so, यहाँ पे कुछ ऐसे आप लोगों को टॉपिक वाइज़ दिया गया है जो आप लोगों को यहाँ पे दिया है अलग अलग टॉपिक वाइज़ दिया गया है आप लोगों को ताकि इनवामेंट के बारे में आप लोग सही से जान पाएँ ठीक है ये सारा टॉपिक्स है आप लोग अगर आप लोगों को कल क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि व्हाट आर द इम्पॉटेंस ऑफ इनोवेंट्रल साइंस सो इसमें से अगर आप लोग चार पांच पॉइंट पौँण अगर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा अब लोगों को एक ऐसे टाइप में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है सबसे ज़्यादा इनोवेंट्रल साइंस प्रोवाइड करता है एक ऐसा इम्पॉटेंस नॉलेज एसेंशियल नॉलेज इन्वामेंट के बारे में जो हमें इन्वामेंट के बारे में जानकारी देता है यही एक इन्वामेंटल साइंस के अंदर होता है इन्वामेंटल साइंस के अंदर सिर्फ आप इन्वायरमेंट को ही जान सकते हो लाइक like साइंस में हो लाइक एसएसटी एस में हो आप लोग हिस्ट्री को जानते हैं कि पुराने लोगों ने क्या क्या किया लाइक like साइंस में आप डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं इसमें भी पढ़ते हैं बट ह्यूमन के डीप में नहीं जा, जाना पड़ता है यहाँ पर सिर्फ इन्वामेंट से रिलेटेड पढ़ते हैं हमारे फ़िज़िकल इन्वायरमेंट के रिलेटेड खासकर ठीक है सो so, दूसरा पॉइंट यहाँ पे कि इन्वामेंटल साइंस एक ऐसा रोल प्ले करता है जो खासकर हमारी इकोलॉजी को मेंटेन रखता हो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस रखता हो इन्मेंटल बैलेंस रखता हो लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाने से हम इकोलॉजिकल बैलेंस रख सकते हैं फॉर एग्जांपल ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर पोल्यूशन लोग क्यों वाटर पोल्यूशन करते हैं ताकि लोगों के अंदर वो अवेयरनेस नहीं है जिसकी वजह से इन्वामेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएशन पल्यूशन uh, क्रिएट होता है डिफरेंट टाइप ऑफ मुश्किल पैदा होता है आप लोगों को अगर वो इकोलॉजिकल बैलेंस ना रहा तो फॉर एक्ज़ाम्पल सी ओ टू की लेवल अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये इन्वायरमेंट आज कल जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं है आजकल इम्बैलेंस हो रहा है सी ओ टू की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है एटमोसफियर एकदम से गर्म हो रहा है जिसकी वजह से बहुत सारे ख़ासकर ग्लेशियर पिघल रहा है ये एक मेन प्रोसेस है ठीक है सो so, इन सारे इकोलॉजिकल बैलेंस रखने के लिए हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाना होगा सो अवेयरनेस कैसे जगाएंगे? ताकि सबसे पहले तो जितने सारे स्टूडेंट हो वो अवेयर हो वो पढ़े लिखो तब जाके आप क्या कर सकता है लोगों के अंदर अवेयरनेस जगा सकते हैं जो इलिटरेट पीपल है या जो पढ़े लिखे नहीं है या जो समझ नहीं सकता है चीज़ों को इन्वामेंटल साइंस दूसरा ये कि एक ऐसा ख़ासकर सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रोल निभाता है ख़ास कर हमारी नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना लाइक like पानी लाइक फॉरेस्ट लाइक वाइल्ड लाइफ लाइक सॉइल एयर लैंड वो सारे जो खासकर नेचुरल नैचुरल रिसोर्स है हमारे पास जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंज़र्व करना क्योंकि आज ये बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है सो तो इनको कंज़र्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो तो इन टाइप्स के इन्वामेंट को इन टाइप्स के खासकर कर रिसोर्स को कंज़र्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आप लोगों को एक इन्वामेंटल साइंस में कंज़र्वेशन मेजर के थ्रू आप लोगों को समझा सकते हैं समझ सकते हैं आप लोग इससे बहुत सारी चीज़ें दूसरी चीज़ें यहाँ पे हैं हाँ आप लोगों को कि इन्वायरमेंटल साइंस हेल्प टू डेवलप सेंसेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग पीपल एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरामेंट इट ऑल्सो डेवलप्ड आ सेंसेस टू रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट अमंग पीपल्स एक uh, चीज़ है यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा वीडियो uh, ज़्यादा हो रहा है तो आप लोगों को एक काम करते हैं कि ये जो तीन पोर्शन है वो आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में समझा देंगे तब तक के लिए थैंक यू